हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग अभी कोरिलेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद जो है आगे रिग्रेशन इक्वेशन देखा जाएगा। तो कोरिलेशन जो है बेसिकली वो लाई करता है आपके प्लस वन टू माइनस वन। ये आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है, जो कोरिलेशन होता है वो कौन से नंबर के बीच में लाई करता है। तो याद रखिएगा प्लस वन टू माइनस वन, और जो माइनस वन होता है उसको परफेक्ट निगेटिव बोला जाता है और प्लस वन को परफेक्ट पॉजिटिव। याद रखिएगा माइनस वन परफेक्ट निगेटिव, प्लस वन इज़ परफेक्ट पॉजिटिव। यहाँ पर प्लस वन जो है परफेक्ट पॉजिटिव को दिखाता है। ओके, यानी दो वेरिएबल्स के बीच में हम क्या देखते हैं रिलेशनशिप इसके अंतर्गत देखते हैं। तो कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है बेसिकली इसमें जो हम लोग देखते हैं वो आपका, इसको पहले बेसिकली आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कोफिशियंट ऑफ जो कोरिलेशन है उसको बेसिकली सिंपल जो आपका स्मॉल आर है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और जो ये है आपका, जब हम कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन की बात करेंगे तो ये आपका, ये भी आपका जो है प्लस वन टू माइनस वन ही जो है लाई करता है। अब हम एक, इसमें फार्मूला है कार्ल पियर्सन का फार्मूला है जो कि आपके पेपर में पूछा हुआ है, तो देख लेते हैं। आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स मल्टीप्लाइड बाई समेशन वाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले आपका n है, n से मल्टीप्लाई किया गया समेशन एक्स वाई को, जो x आपका दिया रहेगा और y दिया रहेगा उसको दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर सम करेंगे, फिर माइनस क्या करेंगे समेशन x का और y का जो सम होता है उसको माइनस कर दिया जाएगा। फिर नीचे जो है आपका n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x का जो है होल स्क्वायर, फिर एक ब्रैकेट में है आपका n, यहाँ पर हो जाएगा आपका समेशन जो है वाई स्क्वायर। ठीक है, समेशन वाई स्क्वायर, यहाँ पर आप देख रहे थे एक्स, यहाँ पर अब आपका जाएगा वाई और माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको लिख देती हूँ। यहाँ पर इसको हम आर से पहले डिनोट करते हैं, कोफिशियंट है आपका, फिर हो जाएगा एन समेशन एक्स वाई, रिपीट करते रहिएगा आप, मतलब पीछे से तो भूल जाएगा फॉर्मूला, ये रिविज़न करने के लिए है आपको ये, और समेशन एक्स और एक ब्रैकेट में समेशन वाई। क्लियर, अब नीचे क्या होगा आपका, एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट में जो है आपका, ब्रैकेट में लिखेंगे समेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब जस्ट अपोजिट आप कर देंगे, एन दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, एन समेशन वाई का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में समेशन वाई का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये जो है आपके पियर्सन के द्वारा जो है फॉर्मूला दिया गया था। तो ये बहुत छोटा सा क्विक रिवीजन था आपके कोरिलेशन के लिए। बेसिकली आपका यही पूछा जाता है कि कोरिलेशन क्या है और मतलब आपके किससे डिनोट किया जाता है और किसके किसके बीच में लाई करता है। याद रखिएगा जब जीरो कोरिलेशन होता है यानी कोई भी कोरिलेशन नहीं पाया जा रहा है और कुछ कुछ उसमें लाइंस होती है, अगर हम देखेंगे तो कोरिलेशन में जो अगर इस तरीके से पॉजिटिव मिलेगा तो यहाँ पर वन रहेगा, नेगेटिव आपका रहेगा तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और ज़ीरो रहता है तो ये पैरेलल टू आपके एक्सेस रहता है। इसको इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पियर्सन का फॉर्मूला और कोरिलेशन जो है, ये चीज़ आपकी हो गई। ओके, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रिविज़न करेंगे। धन्यवाद।